सबको जय यीशु की। तो आइए मैं आपको हमारे डायसिस के न्यू चर्च जो कल ही हाल ही में ओपन हुआ है उसकी छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। सो होपफुली आपको अच्छी लगेगी। सो रास्ते की तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, बस वहाँ की चर्च की ये देखिए स्टार्टिंग की वीडियो है। तकरीबन 5 बजे हम 4:30 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे। तो ये बाहर का व्यू ऐसा है, अभी धूप इस पे पड़ी रही है चर्च पे, और ऊपर देखिए ये इन्होंने स्टैचूस भी बहुत अच्छे तरीके से लगाए हुए हैं। सारे स्टैचू वाइट कलर में हैं तो काफ़ी दूर से अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और चर्च की वैसे भी सारी ब्यूटी ही अच्छी है, इसमें सबसे ज़्यादा पत्थर जो है वो शाइनिंग वाले पत्थर लगाए हुए हैं। सो डिज़ाइनिंग मेरे ख्याल से बाहर की डिज़ाइनिंग है, और एक बहुत ही अच्छी फैमिली ने ये चर्च को बना के शिमला चंडीगढ़ डायसिस को दान में दिया है, और मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सो काफ़ी भीड़ आई हुई थी, देखिए आगे पीछे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे डांस चल रहा था, एंट्रेंस का डांस चल रहा था, पर हम देख नहीं पाए क्योंकि हम थोड़ा पीछे बैठे हुए थे बिल्कुल साइड में, और हमारे चर्च के अंदर एंट्री भी नहीं है क्योंकि हम शायद वो थोड़ा लेट हो गया, और इसलिए हम बाहर ही खड़ के सारी मास अटेंड कर रहे थे। तो बाहर भी वैसे कुछ लग नहीं रहा था कि जैसे हम बाहर बैठे हैं, अभी अंदर ही लग रहा है क्योंकि बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई हुई थी। स्टेशंस 14 स्टेशन भी बाहर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्टैचूस के रूप में बनाए हुए हैं। तो काफ़ी बड़ा एरिया है इस चर्च का, और रियली बहुत बहुत सुंदर चर्च है, बहुत सुंदर चर्च है, आप देखिए। और जैसे जैसे शाम ढलती जा रही थी इसका व्यू और भी अच्छा होता जा रहा था। अब जैसे लाइट इस पे आ गई है तो इसका व्यू अब चेक कर लीजिए, और ज़्यादा सुंदर हो गया। सो आगे की वीडियो आप, अंदर की वीडियो आपको दिखाता हूँ जो अंदर का व्यू है। अभी देखिए अंदर, अब खाना वाना हमारा हो गया था तो इसलिए मैंने सोचा चलो अंदर जाके भी देखते हैं। सो अभी हम पहुंच चुके हैं जी न्यू चर्च के सामने, और ये एंट्री है इस गेट की, पहली बार आ रहा है चर्च की गेट। ये देखिए एंट्री है, काफी अच्छी एंट्री है, देखिए। सो लेडी ऑफ मिरेकल्स, लेडी ऑफ मिरेकल्स, लेडी ऑफ मिरेकल्स, दिस इज द चर्च। ओह माय गॉड, सीरियसली, ओह माय गॉडनेस, जीसस। ये से सेकंड गेट और ये थर्ड, इधर से ये मेन एंट्री है यहाँ से। सो अभी भीड़ काफ़ी है क्योंकि लोग सभी एक्साइटेड है नए चर्च के लिए, नए चर्च की ओपनिंग के लिए। सो अभी देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, देखो। सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम हेवन में आए हुए हैं, सीरियसली मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि बिल्कुल हेवन का फील आ रहा है, और मन पूरा अंदर और बाहर से बिल्कुल खुश हो रहा है। सो मतलब ठंडी हवाएं भी चल रही है, ऐसे ही लग रहा है कि जैसे हेवन में आ गए हैं, देखिए। Amazing, amazing, amazing.
कंपैरिजन इसके आगे मैं बोल नहीं सकता हूँ, इतना मजा आ गया। हेवन हेवन लाइक जस्ट हेवन हेवन।